हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जस्ट अ क्विक कन्फर्मेशन प्लीज कन्फर्म कैन यू ऑल हेयर मी दोस्तों प्लीज़ कन्फर्म कर दो कैन यू ऑल हेयर मी अच्छा अनम्यूट कर दो अपने आप को और माइक का इस्तेमाल करो लेट्स मेक दिस सेशन इंटरएक्टिव आपस में इंटरेक्ट करेंगे बात करेंगे इंशाल्लाह बहुत पॉपुलर हो जाएगा सेशन बेहतरीन हो गया अच्छा वेलकम टू ओरिएंटेशन सेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर सर पहले इसका नाम था एफ सेवन जो कि अब नाम चेंज कर दिया गया है नई रिजीम आ गई है अब इसका नाम कर दिया गया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही है अच्छा सर हम लोगों ने सबने F3 जो कि अब नाम हो गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग यह उसका एडवांस वर्जन है आई होप तुम सब लोगों ने F3 पास कर लिया होगा तो लेट्स वेलकम ऑल ऑफ यू टू फर्स्ट सेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिफोर वी मूव ऑन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ सर माई नेम इज़ अली मानुल्ला आई एम ट्यूटर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग यानी कि पी का पेपर पढ़ाता हूँ मैं अच्छा सर मैं ए सी से मेबर हूँ आई क्वालिफाइड ए सी सी बैक इन ट्वेंटी ट्वेल्व और फिर मैं दो हजार सोलह से कंटिन्यूअसली एफ थ्री एफ सेवन पढ़ा रहा हूँ अच्छा बिफोर वी मूव ऑन मैं तुम लोगों से बात करता हूँ बताओ तुम लोगों को एफ थ्री आसान लगता था या मुश्किल लगता था दोस्तों अपने आप को अनम्यूट कर दो और फिर बातचीत करते हैं बता दो मुझे एफ थ्री आसान लगता था या मुश्किल लगता था तुम लोगों को दोस्तों आवाज आ रही है हेलो हेलो कैन यू प्लीज कंफर्म इज माई वॉइस ऑडिबल अच्छा वन सेकेंड मै क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इसके बताओ तुम सबने एफ थ्री पढ़ा एफ थ्री बताओ आसान पेपर था या मुश्किल पेपर था मीडियम लेवल हो गया बाकी लोग बता दो अच्छा सर कुछ लोग बोल रहे हैं मॉडरेट था कुछ बोल रहे हैं एग्जैमट था है, कुछ बोल रहे हैं इजी पेपर है यार मेरी एक बात समझ लो एफ सेवन पूरे फाइने एफ सीरीज का सबसे आसान पेपर है अगर तुम लोग जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह पढ़ते जाओ एफ़ सेवन पूरी एफ़ सीरीज़ का बहुत आसान पेपर बन जाएगा लिटरली अच्छा सर बिफोर वी मूव ऑन हम एक पेपर फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं कि सर पेपर फॉर्मेट क्या है इसके अंदर जब तुम लोगों ने एफ थ्री या एफ ए का पेपर दिया था दैट वॉज टोटली कंप्यूटर बेस्ड और एम सी क्यू बेस्ड पेपर होता था यानी कि एम सी क्यूज़ और एम टी क्यूज होते थे सर इसमें कुछ ब्लेंड होगा कुछ एम सी क्यूज़ होंगे कुछ एम टी क्यूज होंगे और कुछ सी आर क्यूज होंगे यानी कि कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी होंगे एग्जामिनर ने तुम्हारे एफ आर के पेपर को तीन पार्ट्स में स्प्लिट किया है तीन सेक्शन में स्प्लिट किया है नंबर वन सेक्शन ए नंबर टू सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी सेक्शन ए और बी तुम्हारा एफ थ्री वाला होगा यानी कि एम सी क्यूज और एम टी क्यूज होंगे जिस तरह तुम्हारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ फिफ्टीन एम सी क्यू यानी कि सेक्शन ए में तुम्हारे पंद्रह एम सी क्यूज होंगे और हर एम सी यू क्यू के दो मार्क्स होंगे यानी कि तुम्हें थर्टी मार्क्स हासिल करने हैं सेक्शन ए में से सेक्शन बी में तुम्हारे पास होंगे तीन एम टी क्यूज यानी कि एक बड़ा केस तुम्हें दिया हुआ होगा और उस इस, उस केस से रिलेटेड पाँच सातवें सवाल किए होंगे तुम्हारे पास यानी कि सेक्शन बी में एक केस के साथ पांच सवाल सेक्शन ए में हर केस के साथ एक सवाल सेक्शन बी में केस थोड़ा सा बड़ा होगा तो हर केस के साथ पांच डिफरेंट डिफरेंट सवाल दिए हुए होंगे इस तरह तुम्हारे पास टोटल पंद्रह सवाल होंगे यानी कि तीन एम होंगे हर एम में पांच सवाल तो पंद्रह सेक्शन बी के सवाल हो गए और सेक्शन बी के भी हर सवाल की वेटेज दो मार्क्स होती है यानी कि थर्टी मार्क्स तुम्हारे सेक्शन बी के भी बन गए सर अगली बात सेक्शन सी थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं कहता हूं सेक्शन सी आसान है एज़ कंपेयर टू सेक्शन ए और बी सेक्शन सी में एग्जामिनर बहुत ही लिमिटेड एडजस्टमेंट्स देता है जो कि तुम बड़ा इजीली पेपर पढ़ोगे ना तो तुम बोलोगे यार इस तरह ही की एडजस्टमेंट आ रही होती हैं सेक्शन सी में तुम्हारे पास दो सवाल होते हैं सर उसके लिए तुम्हें कभ... ऑफिस भी आना चाहिए यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग शीट पे भी काम करना आना चाहिए और एक्सेल स्प्रेड शीट पर भी तुम्हें काम करना आना चाहिए सेक्शन सी के हमारे पास मेनली तीन एरियाज होते हैं नंबर वन कंसॉलिडेशन नंबर टू फाइनल अकाउंट्स एंड नंबर थ्री इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेक्शन सी में एक सवाल तो आएगा तुम्हारा या तो फाइनल अकाउंट्स या कंसॉडेशन एग्जामिनर तुम्हें बोलेगा मुझे इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में आकर दे दो एग्जामिनर तुम्हें बोलेगा कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के दे दो दो में से कोई एक सवाल आएगा सर सेक्शन सी का दूसरा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होता है वो होगा तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि रेशियो एनालिसिस जो कि हम बचपन में एफ थ्री में या ओ ए लेवल्स में हम इंटरप्रिटेशन या रेशोस पढ़ के आए हैं यहाँ पे आके उसकी कॉमेंटिंग करनी है तो बोला जब तक तुम्हारे सेक्शन ए और बी यानी कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पे कंसोलिडेशन पे फाइनल अकाउंट्स पे गिर नहीं होगी तो तुम्हारे सेक्शन सी में जो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एरिया है वो अच्छा परफॉर्म तुम नहीं कर पाओगे तो सर हमने क्या कंक्लूड किया सेक्शन ए में पंद्रह एमसी हर एमसी की वेटेज दो मार्क्स सेक्शन बी में तीन एम हर एम में पांच फर्दर एमसी और हर एम की वेटेज अगेन दो मार्क्स तो थर्टी मार्क्स ऑफ सेक्शन ए एंड थर्टी मार्क्स फ्रॉम सेक्शन बी सेक्शन सी में दो सवाल होंगे जिसमें तुम्हें अपनी कंप्यूटर स्किल्स को बताना पड़ेगा कंप्यूटर स्किल्स पे काम करना पड़ेगा और दो सवाल हर सवाल की वेटेज इज ट्वेंटी मार्क्स और टोटल तुम्हारे हो गए फोर्टी मार्क्स ईच सही हो गया क्या इस पेपर पैटर्न में किसी को कोई क्वेरी है अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे सिलेबस के मेन एरियाज क्या क्या है सर मेन एरियाज में आपको वैसे ही बता देता हूं क्या क्या है इसके बाद तुम इसको डिटेल स्लाइड पे जाते हैं नंबर वन इसके तुम्हें आई एस एस एंड आई एफ आर एस पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए सर हमने बचपन में एफ थ्री में आई एस सिक्सटीन पढ़ा आई एस थर्टी एट पढ़ा आई एस टेन पढ़ लिया था आई एस थर्टी सेवन पढ़ लिया था आई एफ आर एस फिफ्टीन का थोड़ा सा फ्लेवर ले लिया था और तुमने एफ थ्री में बेसिक कंसॉलिडेशन भी पढ़ी थी यहाँ पर सर एक बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि आई एस एस एंड आई एफ आर एस एस पढ़ने पड़ेंगे हमें और जो तुमने अपनी नॉलेज एफ थ्री में फाइन कंसोलिडेशन की ली थी वो यहाँ रोल फॉरवर्ड होगी और थोड़ी सी एडिशनल कंसोलिडेशन हमने करनी पड़ेगी अच्छा अगर मैं अपने सिलेबस के मेन एरियाज को डिस्कस कर लूँ तो पहला एरिया हमारा होता है कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो तुम लोगों ने एफ थ्री में पढ़ा था एज इट इज़ यहाँ पढ़ेंगे सर फ्रेमवर्क होता क्या है सर फ्रेमवर्क में बताएंगे तुम्हें एसेट क्या होता है लाइबिलिटी क्या होती है इक्विटी इनकम एक्सपेंस इनकी डेफिनेशन बताएंगे बताएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता कैसे है अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तुम्हारे कंसेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तो इसमें मिला के टोटल पूरे हंड्रेड में से एक हज़ार एम आ गया तो आ गया वरना इसमें कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी mm -hmm. सर पॉइंट नंबर टू हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तुम्हें लिस्ट बताऊंगा हमारे पास कौन कौन से हैं लेकिन याद रखना कम से कम पंद्रह से बीस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने पढ़ने हैं और हमने पढ़ने कैसे ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह हम उसको कवर करेंगे जब तुम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लोगे तो तुम अगले एरिया की तरफ मूव ऑन कर जाओगे यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मदद से तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पांच कॉम्पोनेंट्स होते हैं नंबर वन इज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड फिफ्थ वन इज डिस्कलोजर नोट्स एफ सेवन का एफ आर का एग्जामिनर तुमसे तीन मेन चीजें पूछ सकता है यानी कि इनकम स्टेटमेंट शायद बनवा ले शायद बैलेंस शीट बनवा ले या शायद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनवा ले डिस्क्लोजर नोट्स तुम्हारे कोर्स का कोई पार्ट नहीं है हां कैश फ्लो वो पूरी फुल फ्लेज कैश फ्लो नहीं बोलेगा कि मुझे पूरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना के दिखा दो वो तुमसे कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट पूछ लेगा कि यार ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक्सट्रैक्ट बना के दे दो मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक्सट्रैक्ट बना के दे दो या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एक एक्सट्रैक्ट बना के दे दो लेकिन जब मैं एक्सट्रैक्ट की बात करता हूँ इसका इनवेरियबली मतलब क्या होता है कि सर मुझे पूरी के पूरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने आनी चाहिए जो कि हम अपनी पूरी क्लास में सीखेंगे कि कैश फ्लो बनती कैसे है। जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख ली तो फिर हम मूव करेंगे अपने ग्रुप यानी कि अकाउंटिडेशन की तरफ अब याद रखना जिन्होंने कंसोलिडेशन एफ में पढ़ी हुई है ना समझो तुमने सेवेंटी एटी कंसोलिडेशन पढ़ी हुई है यहाँ पे एफ में आके थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज चाहिए होती है हमें तो हम कहते हैं कि हमारी कंसोलिडेशन बहुत प्रॉपर हो गई है अब सर बच्चा यहां पे आके घबराता क्यों है एफ लेवल की कंसोलिडेशन में याद रखना एफ लेवल पे कंसोलिडेटेड अकाउंट्स तुम्हें बनाने पड़ते हैं एक्सेल की मदद से यानी कि स्प्रेड की मदद से नॉर्मल पेपर पैन नहीं होगा कि तुम बना के आ जाओगे यहाँ पे तुम्हें स्प्रेडशीट की मदद लेनी पड़ेगी तुम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम बनाओगे तो इसके बाद अगला एरिया हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जैसा कि अभी थोड़े पहले हमने डिस्कस किया था कैश फ्लो तुम्हारी पूरी के पूरी एग्जामिनेबल नहीं है एग्जामिनर तुमसे थोड़े बहुत एक्स्ट्रैक्ट पूछ लेगा या एमसी में तुम्हें कोई चीज टेस्ट कर लेगा कैश फ्लो की और लास्ट एरिया जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि मेरा मेन रेशियो एनालिसिस का एरिया है रेशो सर वही है जो हमने एफ थ्री में पढ़े हैं कोई एडिशनल रेशो नहीं है इसमें खाली रेशोस को आपस में रिलेट करके कमेंटिंग करनी है मैनेजमेंट कमेंट्री करनी है पूरी हमने ये तो हमारे थे बिल्कुल मेन एरिया सिलेबस के क्या यहां तक किसी कोई क्वेरी है अच्छा अब सबसे मेन सवाल तुम सबके जहन में होगा कि सर कितने बच्चे पास होते हैं पासिंग रेट क्या है हमारे पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है याद रखना एफ आर वो पेपर है जिसकी पासिंग रेट अराउंड फिफ्टी परसेंट के करीब होता है पूरे ए में बहुत अच्छा फंडामेंटल लेवल का एक बहुत अच्छा पासिंग रेट है जून इक्कीस का सबसे टॉप पे देख लो फिफ्टी वन परसेंट पासिंग रेट है लेकिन सर इससे भी अच्छी बात सर मेरी पिछला ट्रेंड रहा है कि नॉर्मली एफ का पासिंग रेट होता है फोर्टी फाइव से फिफ्टी के दरमियान बट मेरे स्टूडेंट्स का पासिंग रेट होता है अराउंड नाइन्टी टू नाइन्टी कि अगर मैंने सौ स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं तो अराउंड नाइन्टी या नाइन्टी स्टूडेंट्स पास कर जाते हैं पेपर मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक होगी पूरे सेशन के अंदर के, जिस तरह मैं हूं, जो जो तुम्हें तुमने वो प्रॉपर टाइमली कर लेने हैं बस जिस तरह कि आज ही लेक्चर देखना है तो आई कैन गारंटी तुम एफ का पेपर पास कर जाओगे मैं आज के दिन श्योरिटी दे देता हूँ तुम लोगों को नॉर्मली आप ये एक पास ट्रेंड देख लें इसका जून 19 में 50 था वेंट टू फोर्टी सिक्स इन से मार्च 20 में और बुरा हो गया 44 परसेंट हो गया सितंबर से फिफ्टी परसेंट हो गया अच्छा मार्च 20 में ओवरऑल पासिंग रेट वाज 44 परसेंट मेरा पासिंग रेट वाज 100 परसेंट एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट सिक्योर्ड नेशन वाइड पोजीशन इन पाकिस्तान सितंबर 20 में इट इंक्रीज टू फिफ्टी फिर डिसंबर ट्वेंटी में फोर्टी एट हो गया जून इक्कीस में बड़ा सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया दैट इज फिफ्टी का पासिंग रेट हो गया तो तुम देख लो कि 45, 46 से लेकर 50 परसेंट तक इसका पासिंग रेट है जो कि बहुत अच्छा है प्रोफेशनल लेवल स्टडीज़ के मुताबिक सिर्फ तुमने करना क्या है जिस तरह तुम्हें बताया जाए उस तरह तुमने पढ़ना है और चीज़ें आगे ले चलनी है अपनी अच्छा सर वो लोग जो फ़ेल होते हैं वो फेल होते क्यों है जरा उस पर डिस्कस कर लेते हैं पहले सबसे पहली बात कि सर वो हमारी मानते ही नहीं हम जिस तरह बोलते हैं पढ़ लो नहीं पढ़ते यानी कि याद रखना तुम अब आ गए हो एसी से कर रहे हो एक प्रोफेशनल लेवल क्वालिफिकेशन कर रहे हो तो यार इसमें सेलेक्टिव स्टडी कभी भी नहीं चल सकती यानी कि बच्चे बोलते हैं यार मैं आई एफ आर एस फिफ्टीन छोड़ दूँ तो, कितना आ जाएगा एक दो नंबर आ जाएंगे अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो वो पूरा दस से पंद्रह नंबर उसके दे देगा एक एम दे देगा दे दो तीन एम दे देगा फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट दे देगा बीस नंबर हो गए तुम्हारे क्या करोगे तो याद रखना तुमने सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी वी विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर सिलेबस हमने पूरी के पूरी रिकॉर्डिंग कराई है जो कि हम पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट कवर करेंगे अगली बात बच्चे करते क्या है सर बच्चे करते ही है कि कॉन्सेप्ट को समझने के बजाय एक अद्द फॉर्मेट बना लेते हैं और बोलते हैं बस इस तरह काम करेंगे कॉन्सेप्ट बाढ़ में गया कॉन्सेप्ट का कोई कंसर्न नहीं है हमें तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ही नहीं तो एग्जामिनर ने तुम्हें थोड़ी सी बॉल को स्पेंड कर दिया तुम परेशान हो जाओगे यार अब सॉल्व कैसे करें अच्छा कुछ लोगों ने सेलेक्टिव स्टडी नहीं किया पूरा पढ़ा कॉन्सेप्ट भी बड़े क्लियर किए लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की जो मेरे हैंड आउट थे मेरे सवाल थे वो नहीं किए किट को नहीं किया पास पेपर की प्रैक्टिस नहीं की सर उन्होंने टेक्निकल आर्टिकल्स को नहीं पढ़ा जो हमारे मॉक्स थे वो अटैम्प्ट नहीं किए हमारे असाइनमेंट्स जो थे वो नहीं किए तो जब वो प्रैक्टिस करेगा ही नहीं तो सर पास कैसे हो जाएगा अच्छा चलो मान लिया तुमने प्रैक्टिस भी कर ली लेकिन तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे यानी कि तुमने अपने आप को मॉक सिमुलेशन में रखा ही नहीं हम विफ़ी पे एक अदद मॉक रखते हैं यानी कि एग्जाम से पाँच छः दिन पहले एक हफ्ता पहले उससे होता क्या है सर वो करने का मॉक लेने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि तुम अपने आप को एग्जाम कंडीशन में रखो और देखो कि तुम पूरा का पूरा पेपर तीन घंटे में अटैम्प्ट कर भी सकते हो या नहीं कर सकते इससे होगा क्या कि जब तुम अभी अटैम्प्ट कर पाओगे मॉक में तो तुम और अपने आप पर मेहनत करोगे और फिर तुम जाके प्रॉपरली टाइम मैनेज कर पाओगे अपना एग्जाम में अच्छा कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी कर लेते हैं लेकिन वो पूरे के पूरे सेशन में सेमेस्टर में सीरियस ही नहीं होते कि अभी नहीं एंड में पढ़ेंगे एंड में पढ़ेंगे एंड में पढ़ेंगे जब एंड में पढ़ने का वक्त आता है तो सर होता क्या है इतना सारा कोर्स होता है टाइम होता नहीं और फिर चीज़ें प्रॉपर्ली ग्रैस नहीं कर पाते वो लोग तो आई होप हम सब ये गलतियाँ नहीं करेंगे अगर ये गलती नहीं की हमने सारी तो आई कैन एश्योर यू कि हम सब पास हो जाएंगे इज़ दैट क्लियर अच्छा अब एक बात सुनो विफी चूंकि आप सबको पता है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और हम दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह यह नहीं है कि आज के दिन हम आपको पूरा का पूरा कोर्स दे देंगे और अब आप अपने पेस के मुताबिक पढ़ते रहो पढ़ना है पढ़ो नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो हम इस तरह नहीं चलते विफ़ी का पढ़ाने का तरीका बड़ा ही कोई डिफरेंट होता है सर हम करते क्या है सर हम वीकली स्केजूल बनाते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये प्लानर है पूरा कि हम वीकली स्केडूल बनाएंगे और खाली यहाँ पे विफी पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है सर रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन है यानी कि एक हफ्ता तुम्हें पूरा असाइनमेंट दिया जाएगा कि वीक वन में आपने ये ये टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपने ये कवर कर रहे उसके एक हफ्ते बाद यानी कि आपने वो पूरे लेक्चर्स देखे इसके बाद हम क्या करेंगे वेरी नेक्स्ट डे यानी कि फॉर एग्जाम्पल कल सुबह को लेक्चर मिलेंगे तो नेक्स्ट मंडे वी विल वी विल भी हैविंग अव फर्स्ट लाइव क्लास जिसमें हम क्या करेंगे तुम सबकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाएगा किसने कितने लेक्चर्स देख लिए इसके बाद क्या करेंगे सर इसके बाद हम एक उसी लाइव क्लास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पास एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे कि सर ये जो एरिया पूरा हमने कवर किया है वो एग्जामिनर टेस्ट कैसे करता है जब हम वो पूरा टेस्ट कर लेंगे तो हम कहेंगे हमारा एरिया नंबर वन कवर हो चुका है क्या ये बात क्लियर है अब सर हम वीक वन में तुम्हें कह दी कि वो लोग जो इनरोल हो गए उनको हम कल सुबह एक्सेस देंगे इस पूरे पार्ट वन का जिसमें आई एस सिक्सटीन आई ए एस ट्वेंटी आई ए एस थर्टी सिक्स आई एस फोर्टी आई एफ आर एस फाइव एंड आई एस ट्वेंटी थ्री ये छह स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मैं कहता हूं दीज आर टेंजेबल नॉन करंट एसेट इनका एक्सेस तुम्हें तो कल सुबह दे दिया जाएगा जो लोग रजिस्टर्ड होंगे अच्छा इसकी फिर हमारी लाइव क्लास होगी फर्स्ट लाइव क्लास ट्वेंटी सेवंथ ऑफ जून ट्वेंटी सेवन ऑफ सेप्टेम्बर को जिसमें हम क्या करेंगे सर जिसमें हम ये करेंगे कि हमने जितने स्टैंडर्ड्स हम लोग आप लोगों ने देखे उसको एक दफा क्विकली रिव्यू रिकैप करेंगे फिर तुम लोग की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाएगा और फिर पास पेपर्स किए जाएंगे फिर वीक नंबर टू में तुम्हें तीन स्टैंडर्स दिए जाएंगे जिस तुम लोग के सामने जिसमें आई एफ आर एस सिक्सटीन है आई एफ आर एस नाइन है और लीज़ है फिर तुम्हें वीक नंबर थ्री में कुछ तीन चार स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे फिर वीक नंबर फोर में तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे फिर वीक नंबर फाइव में तुम्हें ग्रुप अकाउंट्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और फ्रेमवर्क दिया जाएगा और उसके लिए तुम्हें कुछ लंबा टाइम दिया गया है रीज़न क्या है कि सर ग्रुप अकाउंट्स में एक बहुत बड़ा एरिया जो तुम्हें कवर करना है तो उसके लिए तुम्हें तकरीबन ग्यारह से बारह दिन दिए हुए हैं इसके बाद फर्स्ट ऑफ नवंबर से लेकर फिफ्टीथ ऑफ नवंबर तक हम कुछ छः से सात अपनी लाइव क्लास रखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि सर सेक्शन सी के सवालों की प्रैक्टिस करनी कैसे है सेक्शन सी के सवाल अटैम्प्ट कैसे करने हैं यानी कि हम क्लास में लाइव क्लास में कंसॉलीडेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंसॉलिडेशन के पास पेपर के क्वेश्चन को एक्सेल पर सॉल्व करेंगे फाइनल अकाउंट्स के पास पेपर को हम एक्सेल पर सॉल्व करेंगे इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि सवाल में हमें सॉल्व किस तरह करना है उसको तो ये जो बिल्कुल आखिरी एरिया है हमारा जिसमें फर्स्ट ऑफ नवंबर से लेकर फिफ्टीन ऑफ नवंबर तक लाइव क्लासेस रखी हुई है इसमें हम तकरीबन सात से आठ लाइव क्लास रख के ये सब तमाम की तमाम चीजें डिस्कस कर रहे होंगे क्या यहां तक बात कर ले सबको अब सुनो फिफ्टीन नवंबर के बाद तुम्हें एक अदद वेबिनार यानी कि गेम चेंजर पूरे रिवीजन सेशन का एक्सेस दिया जाएगा जो लास्ट टाइम मैंने वेबिनार कराया था उसका पूरा का पूरा एक्सेस तुम्हें दे दिया जाएगा कि तुम ये तीन दिन तुम्हें दे रहे हैं कि पूरा का पूरा एफ आर उस वीडियोज़ को देखो और रिवाइज़ कर लो अपना एफ आर सही हो गया इसके बाद क्या होगा फिर एक और तुम्हें कुछ टाइम दिया जाएगा फिर हम एक और वेबिनार कंडक्ट करेंगे जिसमें हम पूरा का पूरा एफ आर वापस रिवाइज कर रहे होंगे पाँच दिन का वेबिनार होगा उस पाँच दिन में हम अपना पूरा का पूरा एफ आर वापस रिवाइज करेंगे फिर हम एक अदद मौक रखेंगे इन दैट इज स्केज्ड फॉर ट्वेंटी एट ऑफ नवंबर ये टेंटेटिव डेट है मॉक की अगर हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए लेकिन अपना मॉक रखेंगे ट्वेंटी एट ऑफ नवंबर को फिर सर मॉक के नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स की तरह बाकी लोगों की तरह हम आपको छोड़ नहीं देंगे उस मॉक का डी ब्रीफ सेशन होगा कि जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है उनके साथ डिस्कशन होगी कि उन्होंने कितना स्कोर किया किन किन एरियाज में उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और फिर इसके बाद जाके आप लोग पेपर दे दोगे तो सर इफेक्टिवली तीन महीने का टाइम है हम कितनी दफा कोर्स रिवाइज करें एक तो हम लेक्चर्स को देख रहे हैं नंबर वन फिर उसके बाद तुम्हें एक वेबिनार दिया जाएगा यानी कि तीन दिन के अंदर पूरा एफ रिवाइज करने के लिए हम तुम्हें कुछ कुछ वीडियो देंगे कि पूरा एफ रिवाइज करो इसके बाद क्या होगा सर इसके बाद कुछ दिन तुम अपनी प्रैक्टिस करोगे फिर हम एक अदर और रिवीजन सेशन रखेंगे पांच दिन का जिसमें हम पूरा का पूरा एफआर अलोंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पेपर्स हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर रहे होंगे तो इफेक्टिवली तीन महीने में विफी पे आप लोग तीन दफा एफ का कोर्स डिस्कस कर रहे होंगे पढ़ रहे होंगे क्या यह बात क्लियर है अच्छा सर हम विफ़ी पे पढ़ाते कैसे हैं किस तरह होता है कंप्लीट स्टडी प्लानर तुम्हें डे वन पे शेयर कर दिया जाएगा जब तुम्हें पोर्टल का एक्सेस मिलेगा तो सबसे पहले तुम्हें जो चीज़ मिलेगी वो वहाँ पे प्लानर मिलेगा कि तुमने पूरे के पूरे तीन महीने के सेमेस्टर में किस दिन क्या पढ़ना है किस वीक में तुमने कौन सा टॉपिक कवर करना है तो सर क्या प्लानर दे छोड़ देंगे नहीं हम प्लानर दे छोड़ते नहीं है मेरी एक टी है कायनाथ गयू शी विल ज्वाइन वेरी सुन अभी अभी आपको ज्वाइन करेंगी वो वो फर्दर बताएंगे उनका रोल क्या होगा तो सर हम आपको जब प्लानर दे रहे हैं और तो आपके साथ साथ मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग भी की जा रही है किस बच्चे ने कितना रिव्यू कर लिया है कितने लेक्चर्स देख लिए हैं अच्छा सर क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे सिर्फ नहीं सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस वन लाइव क्लास पर वीक ये तो ड्यूरिंग द सेशन होगा हमारा कि एक हफ्ता रिकॉर्डेड सेशन और उसके वेरी नेक्स्ट डे लाइव क्लास जिसमें हम कुछ पास पेपर्स और पूरा रिकैप कर रहे होंगे इसके अलावा जो आखिरी पंद्रह दिन हमने तुमसे डिस्कस किए थे अभी शुरू में कि पंद्रह दिन में से सात से आठ लाइव क्लास होंगी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पास पेपर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसके अलावा सर आपको पोर्टल पे हर स्टैंडर्ड की समरी भी मिलेगी और ई नोट्स भी मिलेंगे इसके अलावा मेरे अपने कुछ क्वेश्चन बैंक है तुम्हें तो वो भी मिलेगा अच्छा क्वेश्चन बैंक के अलावा सर हमारा अपना टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसके उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं अगर तुम चाहो तो वो भी सॉल्व करना एंड आई वुड रिकमेंड के तुम लोग वो सॉल्व करना वो बिल्कुल एग्जाम लेवल के कोश्चन्स बने हुए हैं अच्छा सर क्या हर बंदा अपने मर्जी के मुताबिक पढ़ता है कोई सुबह पढ़ रहा है कोई दोपहर में पढ़ रहा है कोई रात में पढ़ रहा है कोई पाकिस्तान में है कोई पाकिस्तान के बाहर है हर किसी के अपने पढ़ने की टाइमिंग्स हैं तो सर क्या हम जब लेक्चर देख रहे हो और लेक्चर में कोई क्वेरी हो तो वो किस तरह पूछी जाए आप सबको मैं अपना सेशन के एंड में अगर व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा कि जिसको जब भी कोई क्वेरी हो तो ट्वेंटी फोर सेवन या तो मुझे या कायनात को व्हाट्सएप ड्रॉप कर दे और आपको कोशिश करेंगे कि विद इन थ्री टू फोर आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाए आपकी क्वेरी का अच्छा सर एंड में क्या होता है एंड में हमारे गेम चेंजर वेबिनार होते हैं जो कि विफ़ी की बड़ी स्पेशलिस्ट स्पेशलाइज प्रोडक्ट है उससे होता क्या है सर वो हर पेपर के लिए होता है और तीन से चार दिन में हम पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज़ करा रहे होते हैं जितने मेन एरियाज़ होते हैं इसके अलावा विफ़ी ने अपना एक अदर टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जो तो थोड़ी बार डिस्कस किया वो बनाया है उसमें हर पेपर के अलग अलग कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं हर हर पेपर के हर सेक्शन के अलग अलग यानी कि अगर एफआर की बात की जाए तो सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी हर चीज़ है वहाँ पे इसके अलावा सर जैसे जैसे हम अपना एक एक एरिया कवर करते जाएंगे यानी कि वीक वन में अगर हमने नॉन करंट एसेट को कवर कर लिया तो तुम्हें तो एक अदर असाइनमेंट दे दिया जाएगा अच्छा वन सेकेंड मैं तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि असाइनमेंट कर लेना इसमें हमारा फायदा नहीं है तुम्हारा ही फायदा है असाइनमेंट करके दोगे तो हम तुम्हें मार्क करके बताएंगे कि तुमने कहाँ किस एरिया में गलती की है इसके अलावा क्या होगा एंड में एक हदर होती है मॉक असेसमेंट जो मैं कब से डिस्कस कर रहा हूँ कि हम नॉर्मली चीज़ों को छोड़ नहीं देते एंड में तुम्हारा मॉक लिया जाएगा और मॉक का डी भी होगा और मार्किंग करके देंगे कि किस किसने क्या चीज़ में कहाँ गलती की है उसको फिर डिस्कस करेंगे क्या मसला है अच्छा कायनात ने शायद हमें ज्वाइन कर लिया कायनात कैन यू हियर मी हेलो कायनात कैन यू हियर मी यस आई कैन हियर यू अच्छा कायनाउ एम आई ऑडिबल इज शी ऑडिबल टू एवरीवन ओवर टू यू कायनात ओके सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर वेल सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी This is aynat and I would be the assistant teacher for this paper FR in the upcoming batch. Uh, so uh, currently, I'm working as assistant manager, and it's been so long I'm part of the team. So what I would be doing in this session, first and the foremost thing, I would be handling your queries. So in case of any of your doubts, any issues, or any concern. You can just drop a message over the WhatsApp or you can message me personally and I'll try my very best to respond as soon as possible. Now what is the second thing I would be doing? I would be tracking the performance. So basically your performance with be main track ki jayi, over three criteria. The first one is the recorded lectures. Your planner has assigned a deadline for

what else we will be tracking the performance over the assignments assignments master drop for temp what else and your attendance okay so this is the criteria now from this uh, uh, session we have further introduced a gamification model uh, so basically in gamification model it's basically learn and earn so criteria will point the and according to that points you will earn थ्रो मैसेज भी शेयर कर देंगे अब मैं आपको क्राइटेरिया बता दू फॉर दिसमिफिकेशन मॉडल थर्ड थिंग यू हैव टू टेक द लाइव क्लासेस तो, प्लानर पे तो विदिन thing, thing, so, हर चीज पर आपको पॉइंट मिलेगा फोर्थ थिंग योर व्हाट्सएप रिस्पॉन्स तो हमारे विफी में क्या है कि हम आपको डेली मैसेज पे तो आपकी प्रिपरेशन के बारे में जो आप अपडेट देंगे वो व्हाट्सएप सो योर रिस्पॉन्वनेस उस पे आपको पॉइंट दिया जाएगा एंड एल्स योर मॉक एग्जाम पासिंग योर मॉक एग्जाम विल गिव यू एंड एल्स योर रियल एग्जाम सो दिस इज बेसिकली द क्राइटेरिया ऑफ सिक्स फीचर्स बेसिकली एंड इस पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट यू विल गेट सम डॉलर्स जो आपको नेक्स्ट कोर्स में आप उसको रिडीम कर सकते हो तो so, इसकी डिटेल इंस्ट्रक्शंस हम आपको मैसेज पे भी शेयर कर देंगे तो आई होप कि आप लोग इस सेक्शन uh, में अपनी एफर्ट्स को पुटिंग करोगे दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू गाइस एज़ वेल टू पास योर एग्जाम एंड फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इन केस ऑफ एनी इशू वी आर अवेलेबल 24/7

फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने एफ आर ऑप्ट किया एंड यू अर्न थर्टी डॉलर्स एज्यूम करो तुम्हें हंड्रेड मार्क्स पॉइंट स्कोर किया और तुमने थर्टी डॉलर्स अर्न कर लिए लेट्स एम एन एग्जाम्पल आपके अगले कोर्स की फी वन ट्वेंटी डॉलर है इसका मतलब क्या हुआ सर वो थर्टी डॉलर क्या एडजस्ट हो जाएंगे जी सर थर्टी डॉलर्स एडजस्ट हो जाएंगे तो सर इफेक्टिवली हो क्या रहा है उसके लिए ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है आपके अगले कोर्सेज में तो क्या हम सब प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएंगे अपने एफ सेवन में यस और नो चलो भाई बेस्ट एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज फील फ्री टू आस्क अच्छा एक सवाल आया कौन सी किट प्रैक्टिस करें देखो मेरी एडवाइस तो यह है कि हम तुम दोनों किड्स वो करो प्रॉपर करो लेकिन सबसे पहले एक किट कैप्लन कर लो और कोशिश हम ये करेंगे कि एक किट एटलीस्ट किट के सेक्शन बी का पूरा एरिया कैप्टन का मैं करा दू बीपीपी तुम खुद कर लेना वो हम वाया मीडिया डिस्कस कर लेंगे लेकिन पहली प्रायोरिटी तुम्हारी ये होनी चाहिए कैप्टन तो एटलीस्ट हंड्रेड कवर कर लो एटलीस्ट भी कैप्टन हंड्रेड तो परसेंट कवर करो जो मेरे अपने क्वेश्चन हैं वो कर लो जो विफी का अपना टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो करो और अगर इसके बाद तुम लोग टाइम बचे तो गो फॉर बीपीपी और बहुत अच्छा है जिसने दोनों किट प्रॉपर कर लिए हैं अच्छा मेरे जहन में एक और सवाल आया है सर क्या हमें स्टडी टेस्क पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है मेरी तरफ से इसका आंसर इज़ बिग नो सर हमें स्टडी टेक्स्ट पढ़ने की मेरे जब अगर एफ आर मुझसे पढ़ो स्टडी टेक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ज़्यादातर तुम क्या करोगे सर लेक्चर अटेंड किया जो ई नोट्स तुम लोगों के पोर्टल पर अटैच किए हुए हैं वो पढ़ लेना वो बहुत हैं और उसके सवाल सॉल्व करना पूरा स्टडी टेस्क पढ़ने की और उसके क्वेश्चन या टी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है मेरे लेक्चर्स और मेरे ई e नोट्स और मेरे अपने क्वेश्चंस आर मोर देन एनफ बुक के लिए काफी है, वो टेंशन नहीं है बुक नहीं पढ़नी है हमने लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने कैप्टन की स्टडी टेक्स पोर्टल पर अटैच की भी है अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि यार पढ़ लो एडिशनल एडिड नॉलेज मिलेगी तो पढ़ लेना कोई टेंशन नहीं है एनी क्वेश्चन एल्स अच्छा इस वीक का कोर्स अपडेट बिल्कुल हो जाएगा जिन जिन लोगों ने रजिस्टर करा लिया है कल वो कोर्स ड्रिप हो जाएगा सुबह तुम लोगों को ये पूरा एरिया जो वीक वन का है जिसमें आई एस सिक्सटीन आई एस ट्वेंटी आई एस ट्वेंटी थ्री आई एस फोर्टी आई एस थर्टी सिक्स एंड आई एफ आर एस फाइव ये छः स्टैंडर्ड्स कल सुबह तुम लोग को मिल जाएंगे जिन लोगों ने रजिस्टर करा लिया ये छः के छः स्टैंडर्ड्स कल सुबह तुम लोग को मिल जाएंगे अच्छा नॉर्मली क्लास टाइमिंग मेरे होंगे अराउंड सिक्स थर्टी इन द इवनिंग पी एच टी टू सेवन थर्टी या सेवन टू एट या सिक्स टू सेवन बट आफ्टर सिक्स ही होंगे प्लानर मैं ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा और ये हमारे पोर्टल पे बिल्कुल सबसे पहली चीज़ प्लानर अटैच भी होता है मैं ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा प्लानर नथिंग टू वरी अबाउट एनी फर्दर क्वेश्चन अराउंड वन यू के time. अच्छा किसी ने बोला कि कोई और स्टडी मटीरियल पढ़ सकते हैं बिल्कुल अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना मना नहीं है लेकिन जो चीजें पहले मेनली करनी है जो मैंने तुम्हें बोला है इंफेसाइज कर रहा हूँ जिन चीजों पे पहले वो करना इसके बाद अगर टाइम बचे तो वो दूसरे मटीरियल पे जाना अदरवाइज नहीं जाना